एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 6.2 तीव्रता। नेपाल में भूकंप का केंद्र। दोपहर 2:53 पर आया भूकंप। जमीन के अंदर 5 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। परिवर्तन जानकारी आपको बता दें कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दोपहर 2:53 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.2 रही है। और नेपाल में भूकंप का केंद्र। दोपहर 2:53 पर आया भूकंप। जमीन के अंदर 5 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। तो आप देखिए कि सब कुछ छिल गया, लोग घर से बाहर आ गए, और ऐसे में ये भूकंप के झटके जो महसूस किए गए हैं, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 रही। दोपहर 2:53 पर आया भूकंप। जमीन के अंदर 5 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। ये देखिए घरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें निकल कर आई है। पंखा देखिए कि किस तरह से बंद पड़ा पंखा, कैसे जब भूकंप आया तो हिलने लगा। रिक्टर स्केल पर 6.2 तीव्रता रही। आप ये देखिए कि पूरा घर जो है, बिल्डिंग की बिल्डिंग हिल गई, लोग अपने घरों से बाहर आ गए, प्रार्थना भी करने लगे। ये तस्वीरें निकल कर आई हैं। ये देखिए कि पंखा किस तरह से हिलता नजर आ रहा है जब भूकंप आया। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए, तो आप देखिए कि जब भूकंप आया, ये हमारे दफ्तर की तस्वीरें, हमारे ऑफिस की तस्वीरें हैं, न्यूज रूम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से सारी चीजें, जो सामान है वहां पर, जितने सिस्टम हैं, एकदम से जब हिलने लगे तो जो तमाम कर्मी हैं सब एकदम से सहम गए। उसके बाद न्यूज रूम से बाहर निकले, बिल्डिंग से बाहर गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कि हमारे ऑफिस की तस्वीरें हैं, भूकंप जब आया उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये देखिए किस तरह से जो है ये तमाम सिस्टम्स यहाँ पर हिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये ऑफिस की तस्वीरें हमारे। और नेपाल में भूकंप का केंद्र रहा, वहीं आपको बता दें कि दोपहर 2:53 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीन के अंदर 5 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। अफरा तफरी मच गई।